अभी जो मुकदमा का निर्णय आया है वो इंद्रापुरम थाना के SHO, SSI और SI के खिलाफ आया है और 13 धाराओं में अभी उनको तलब किया गया है। पति दातों का निर्वाह न करना, छेड़छाड़ करना, झूठी सूचनाएं देना, गलत आख्या देना, धोखाधड़ी, जालसाजी, धमकी देने के संबंध में तलब किया गया है। और अन्य जो मुकदमे हैं अभी वो उन पर आरोपी के खिलाफ जो मुकदमा दर्ज है विशेष न्यायाधीश SSC कोर्ट में, उसको अभी तलबी आदेश के लिए नियत है और अग्रिम तिथि पर उस पर बहस होगी और न्यायपालिका से उम्मीद है कि उनको साक्ष्यगत दस्तावेजों तलब किया जाए। जी निवेश जी, क्या मामला था पूरा, उस पर प्रकाश डालेंगे। 5 जनवरी 2021 को थाना इंद्रपुरम क्षेत्र में मेरे साथ एक लूट हुई थी। मेरी गाड़ी लूट ली गई थी, गाड़ी के साथ मेरे सोनिक चैन थी, हाथ घड़ी और वैलिजर पर नगद थे, जिसको इंद्रपुरम पुलिस ने तत्काल में संज्ञान लेके उनको कस्टडी में लेकर सारा माल बरामद कर लिया था। लेकिन बिना प्राथमिकी दर्ज करे अगले दिन 6 तारीख को रात को 10 बजे उन्हें छोड़ दिया गया। मैंने काफ़ी उनसे रिक्वेस्ट करी, उन्होंने नहीं माना, राजनीतिक दबाव था उनके ऊपर। मैं माननीय न्यायालय में आया तो वहाँ भी थाना इंद्रपुरम पुलिस ने आरोपियों से षडयंत्र करके गलत आँखें और गलत सूचना दी गई, जिस पर मैंने उनके खिलाफ माननीय न्यायालय में एक 156(3) CRPC के तहत मुकदमा दायर किया था 1 साल पहले, जिसका संज्ञान लिया गया, इस पर निर्णय आया। उस निर्णय में जो तत्कालीन SHO साहब थे संजीव कुमार शर्मा, SSI सर्वेश यादव और SI गोविंद सिंह, इनको अपने पदीय दायित्व का निर्वहन न करने, शक्ति का दुरुपयोग करने, तथ्यों के साथ छेड़छाड़ करने, अपराधियों के साथ षड्यंत्र करने और पीड़ित की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने जैसी गंभीर 13 धाराओं में तलब किया है और आदेश जारी है। 4 जुलाई को उनको माननीय न्यायालय में पेश होने के लिए आदेश जारी किया है। अच्छा, कितना वक्त लग गया इस मुकाम तक पहुँचने के लिए, कितना संघर्ष करना? लगभग इस घटना को 1.5 साल हो गए। 1.5 साल में लगभग सभी अधिकारी आरोपी के साथ षड्यंत्र कर चुके हैं, गलत तरीके से आँखें पेश करते हैं, गलत रिपोर्ट देते हैं, पुलिस उच्च अधिकारी को गुमराह किया गया, माननीय न्यायालय गुमराह किया गया, उन्हें षड्यंत्र करके साझ करके एक राय होकर दुरासेपूर्वक सभी जाँच आँखें तैयार की गई हैं, जिनके संबंध में मैंने आपत्ति दाखिल किया पुलिस उच्च अधिकारी को, यहाँ तक राष्ट्रीय मानवाधिकार, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और लोक शिकायत कार्मिक एंड पेंशन विभाग, गृह मंत्रालय, लीगल सेल, गृह मंत्रालय में नोटिस मुख्य सचिव को जारी है, DM साहब को नोटिस जारी है और DGP साहब लखनऊ को नोटिस जारी है। उनमें मैंने आपत्ति दर्ज की है और उनमें सब साक्ष्यगत दस्तावेज प्रमाणित न्यायालय से प्राप्त करके लगाए हैं, जो स्पष्ट प्रथम दृष्टि साबित करते हैं कि आरोपी और पुलिसकर्मियों के बीच में, जो जनपद गाजियाबाद की पुलिस थी, उनके बीच में षड्यंत्र हुआ है और उन्होंने बचाया है भ्रष्टात्मक रूप से, एक पक्षी आँखें लगा लगा कर। अच्छा, जो प्रशासन के अधिकारी हैं, कितने अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ, किन किन धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ? अभी जो मुकदमा का निर्णय आया है वो इंद्रपुरम थाने के SHO, SSI और SI के खिलाफ आया है और 13 धाराओं में अभी उनको तलब किया गया है। पति दातों का निर्वाह न करना, छेड़छाड़ करना, झूठी सूचनाएं देना, गलत आख्या देना, धोखाधड़ी, जालसाजी, धमकी देने के संबंध में तलब किया गया है। और अन्य जो मुकदमे हैं अभी वो उन पर आरोपी के खिलाफ जो मुकदमा दर्ज है विशेष न्यायाधीश SSC कोर्ट में, उसको अभी तलबी आदेश के लिए नियत है और अग्रिम तिथि पर उस पर बहस होगी और न्यायपालिका से उम्मीद है कि उनको साक्ष्यगत दस्तावेजों तलब किया जाए। तो क्या अधिकारियों के खिलाफ FIR हो चुकी है उनके नाम से ही? नहीं, अधिकारियों के खिलाफ कोई FIR नहीं है, उनकी शिकायत अपर पुलिस जो अधिकारी हैं, उच्च अधिकारी, अपर पुलिस महानिदेशक मेरठ रेंज के श्री राजीव सब्रवाल जी के पास अभी लंबित है। वो जांच अभी जनपद में वापस निपुण अग्रवाल जी के पास आई थी लास्ट वीक, तो उसमें मैंने आपत्ति दर्ज करते हुए कहा था कि जो अधिकतर पुलिसकर्मी हैं वो इन शिकायत में नामजद हैं और गाजियाबाद जनपद में ही तैनात हैं, तो निष्पक्ष जांच होना मुश्किल है, इसलिए IG महोदय को अवगत कराया जाए कि प्रार्थी अपने प्रकरण की निष्पक्ष जाँच अन्य जनपद से कराना चाहता है। अभी फिलहाल क्या कहेंगे, आप भी एक एडवोकेट हैं और इसके बाद इस तरह की जो घटना, इस तरह का जो शोषण है आपके साथ हुआ, तो एक आम आदमी की छवि कैसी रहेगी? मैं एक अधिवक्ता हूं और घटना किसी के साथ भी हो सकती है, कभी भी कहीं भी हो सकती है। मैंने इसकी लड़ाई के लिए उच्च अधिकारियों तक, राष्ट्रीय आयोग तक मैं गया, लेकिन चूंकि पुलिस सरकार की है और उन पर राजनीतिक दबाव है, अनुसूचित जाति के मुकदमे आसानी दर्ज नहीं होते हैं, हो जाते हैं तो विवेचना ढीली ढवाली होती है,
साक्ष्यों का संकलन नहीं होता है, गवाहों से पूछताछ नहीं होती है और सबूतों के साथ छेड़छाड़ करी जाती है। जैसा कि मेरे साथ अभी माननीय न्यायालय के परिसर में 27 अप्रैल में एक आरोपियों के सह पर उनके परिवार के लोगों ने हथियारबंद होकर मेरे पर जानलेवा हमला किया था, जिसकी सूचना मैं 10 दिन पहले आईजी महोदय को स्वयं उपस्थित होकर दे चुका हूँ, सीओ कविनगर अवनीश कुमार जी को स्वयं उपस्थित होकर दे चुका हूँ, लेकिन उन्होंने इस मामले को गंभीरता से नहीं लिया और मेरे साथ ये घटना घटी जिसमें एक मुकदमा दर्ज हुआ था 29 अप्रैल 2022 में। और आज दिनांक 7 जून है, घटना का मौका मुआयना, कोई गवाह, पीड़ित के बयान, साक्ष्यों को संकलन नहीं किया गया, जिससे स्पष्ट होता है कि पुलिस अभी भी आरोपियों को संरक्षण दे रही है और उनको सहयोग कर रही है। अच्छा, कुछ दिन पहले आपकी कार पर भी हमला किया गया था, FIR था। हाँ, मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, समाज के जो शोषित वर्ग के मुद्दे उठाता रहता हूँ, तो निजीकरण पे मैं एक पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भ्रमण पे था, तो मेरठ जनपद से वापसी में मुझे रात में भी मुझ पर हमला हुआ था, उसके में मुकदमा दर्ज है, मैं चार्जशीट आ चुकी है। अभी फिलहाल क्या कहेंगे अब जिस तरह की कार्रवाई हो रही है, न्यायालय से कितना मतलब भरोसा है न्यायालय पर? न्यायपालिका पे मुझे पूर्ण विश्वास है कि सबको साक्ष्य का दस्तावेज और घटनाक्रम के संबंध में जो सबूत साक्ष्य मैंने न्यायालय को दिए हैं उसका संज्ञान लेकर उनको तलब करेंगे। फिलहाल मेरी यही अपील है जो पुलिस उच्च अधिकारी है, निष्पक्ष जांच करें, निष्पक्ष काम करें, लेकिन वर्तमान घटना को देख के मुझे लग रहा है कि लोग मेरी रेकी करते हैं, मेरा पीछा करते हैं, लगातार धमकी देते हैं, पुराने मुकदमों जो वाद परिवाद न्यायालय में पेंडिंग है, जो मुकदमे लिखवाए गए हैं उनको वापस नहीं दबा लेने का लगातार आज भी सक्रिय रूप से पुलिस और पुलिस के साथ जो षड्यंत्र में शामिल हैं आरोपी और दबाव बना रहे हैं, तो मेरी जान को लगातार खतरा है। क्या सुरक्षा की मांग किया? हाँ, मैंने आईजी महोदय को एक सुरक्षा और के लिए संबंध में एक लेटर दिया था 4 मई में, जिसकी जाँच अपर पुलिस अधीक्षक सर्वेश कुमार मिश्रा हापुड़ कर रहे हैं, तो उसमें उनकी एक दो दिन में जांच रिपोर्ट आने का इंतज़ार है। लेकिन हाँ, इस दौरान मुझे कोई न्यायालय परिसर में कहीं प्राकृतिक अप्रकृत रूप से होता तो मेरे परिवार और उच्च अधिकारी परिसर से शिकायत में जो नाम जाता वो जिम्मेदार होंगे। अच्छा सर, ये बताइए अभी जैसे कोर्ट ने संज्ञान लिया है, पुलिस की कार रहे 15% चिल्ल रहा है, कितने संतुष्ट है इस पर कार्रवाई होने से कोर्ट की कार्रवाई? मुझे लगभग 1.5 साल लग गया है इसे संघर्ष करते हुए, क्योंकि लगातार ये लोग जाँच को प्रभावित कर रहे थे। माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट श्री संदीप चौधरी द्वारा एक मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए गए थे, जिस जांच में अपर नगर मजिस्ट्रेट विनय कुमार सिंह को उसमें अपॉइंट किया गया था जांच के लिए, उन्होंने भी आरोपी के साथ षड्यंत्र करके पुलिस अधीक्षक नगर 2 की लगाई गई जांच आख्या को कॉपी पेस्ट करके मुझे मेरा पक्ष रखे बिना, अवसर प्रदान किए बिना, पत्रावली के निस्तारण होने के बाद जाँच आख्या भ्रष्टात्मक रूप से एक पक्षीय प्रेषित की गई थी, जिसमें अपर सिविल जज सीनियर डिवीजन 4 गाज़ियाबाद द्वारा संज्ञान लेते हुए तत्कालीन अपर नगर मजिस्ट्रेट जो वर्तमान में SDM सदर हैं के खिलाफ कंटेम्प्ट अवमानना का नोटिस जारी है, जिसका जवाब आ चुका है, अंतिम निर्णय के लिए पत्रावली सुरक्षित है। ठीक। अच्छा सर, क्या कहेंगे प्रशासन से आप? प्रशासन से ये उम्मीद है कि इसमें जाँच को जो है निष्पक्ष करके दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करें और मुझे और मेरे परिवार की जानमाल सुरक्षा के हेतु सुरक्षा उपलब्ध कराई जाए। इस वीडियो में कही गई सभी बातें वक्ता की अपनी राय है, जिसकी पुष्टि हम या हमारा चैनल नेशन टाइम नहीं करता।